नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल याज्ञा वीएम। एसबीआई ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया है फॉर दी पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी इंजीनियर। इसके 2000 वैकेंसीज है। इस वीडियो में हम देखेंगे एसबीआई के बारे में एंड द रोल ऑफ द जॉब। सेकंड देखेंगे डिवीजन ऑफ द वैकेंसीज, मतलब किस सेक्शन में कितनी वैकेंसीज अलॉट की गई है। थर्ड, एग्जाम फी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज एलिजिबिलिटी, एजुकेशन एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट वन, लास्ट डेट फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन क्या है, एंड देन द डेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, जैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम कब होने वाला है, मेंस एग्जाम कब होने वाला है, रिजल्ट कब निकलने वाला है उसका, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। एंड नेक्स्ट, द एग्जाम पैटर्न ऑफ एसबीआई पीओ वो क्या होता है, उसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। SBI Bank एंड रोल ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। सो PO बेसिकली प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है। SBI Bank का टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। SBI Bank का हेडक्वार्टर है इन मुंबई। प्रोबेशनरी ऑफिसर का रोल बेसिकली क्या होता है, ये एक बैंकर का रोल होता है एंड ही इज़ अपॉइंटेड फॉर ए प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 2 years। इन 2 सालों में उनको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोबेशनरी पीरियड द पर्सन और द बैंकर इज प्रमोटेड एज अ डेप्यूटी मैनेजर, या तो मिडिल मैनेजमेंट ऑफिसर स्केल 2 के लेवल पे उनका प्रमोशन हो जाता है। ड्यूरिंग दिस 2 years ऑफ प्रोबेशन पीरियड दे लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक SBI का अपना अकेडमी है जहाँ पे वो ये सारी चीज़ों को सिखा सकता है। देन व्हेन द गाइज आर पोस्टेड इन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ SBI बैंक, तो वहाँ पे उनके रोल्स रहते हैं, जैसे सुपरवाइजिंग ऑफ क्लरिकल एक्टिविटीज, प्रोसेसिंग ऑफ द लोन्स, कस्टमर सपोर्ट, ओपनिंग बैंक अकाउंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट दे लर्न वेरियस अदर एक्टिविटीज लाइक रिटेल बैंकिंग क्या होती है, देन रूरल बैंकिंग क्या होती है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को वो यहाँ पे समझते हैं। पैकेज क्या होता है SBI PO ऑफिसर्स का, इनिशियली जो पैकेज रहता है वो होता है 8 to 13 lakhs अप्रॉक्सीमेटली। तो जो इन हैंड सैलरी रहती है यहाँ पे वो होती है 30 to 35 thousand पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिटी जहाँ पे वो पोस्टेड होते हैं उनका ये पैकेज वेरी कर जाता है। एवरी ईयर SBI PO के लिए लगभग 1 million एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन ऑफ वैकेंसीज की तरफ। SBI ने टोटल वैकेंसीज लॉन्च की थी 2000 पोस्ट। इसमें ST यानी कि स्केड्यूल ट्राइब के लिए 150 पोस्ट रिजर्व है। SC कैटेगरी के लिए 300 पोस्ट है यहाँ पे। OBC के लिए 540 पोस्ट है। EWS यानी कि इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन के लिए 200 पोस्ट है एंड जनरल के लिए सिर्फ 810 पोस्ट यहाँ पे रह गए। सो एज यू नो कि EWS एक नया फीचर था जो इस बार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हम नहीं दे पाते थे, तो ST SC OBC को टोटली मिला ले तो 49.5% रिजर्वेशन यूजुअली हम दिया करते थे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के उस पॉइंट के अगेंस्ट जाकर गवर्नमेंट ने EWS नाम का एक स्पेशल कैटेगरी लॉन्च किया जिसका नाम है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, यानी कि 8 लाख से कम जिसकी भी इनकम कैपेसिटी हो तो दे कैन अप्लाई फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। एंड कंसिक्वेंटली जनरल के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट थे वो घट गए। सो मतलब क्या है कि अब जनरल कैंडिडेट्स जाकर के EWS का सर्टिफिकेट बनाए। नेक्स्ट, एग्जाम फी एंड एलिजिबिलिटी क्या है। सो एग्जाम फी जो रहेगा वो SC और ST कैंडिडेट्स के लिए कम है, दैट इज ₹125 एंड फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स इट इज ₹750। द एज क्वालिफिकेशन मिनिमम ईयर्स इज 21 years एंड मैक्सिमम ईयर्स इज 30 years। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। सो एज ऑन 31st August 2019 सारे स्टैटिस्टिक्स को देख रहे हैं, राइट? सो दैट मीन्स वॉट कि आप यहाँ पे जो कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देते हो कि यू आर सेटिस्फाइंग दैट पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन, देन योर सर्टिफिकेट शुड बी रेडी ऑन दैट पर्टिकुलर डे, दैट इज 31st August 2019 तक आपका सर्टिफिकेट रेडी रहना चाहिए कि आपने ये एग्जाम दे लिया है, यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड। सो वॉट आर द क्वालिफिकेशंस, मिनिमम है कि आप ग्रेजुएशन हो, या तो फिर अगर आप जैसे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो ग्रेजुएशन के या तो इंटीग्रेटेड कोर्स के, सो यू हैव टू मेक दैट सर्टिफिकेट रेडी कि आपका ये कंप्लीट हो गया टिल दिस पर्टिकुलर डेट। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एलिजिबिलिटी भी आप रखते हैं देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट ऑफ SBI PO। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द डेट्स ऑफ द एग्जाम। इसका जो मोड है, प्रिलिम्स मोड हो या तो मेन एग्जाम का मोड हो, जो इवन जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है मेंस में, एसे और लेटर, इवन वो भी आपको टाइपिंग करनी पड़ती है यहाँ पे।
सो प्रीलिम्स आपका होगा 8th, 9th, 15th एंड 16th ऑफ जून 2019. जो मेन एग्जाम होगा वो होगा 20th ऑफ जुलाई 2019 में. यूजुअली प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो विद इन 1 वीक या 2 वीक्स निकल जाता है. उसी तरह से मेन का भी जो रिजल्ट है वो भी 1 मंथ या तो 3 वीक्स के बीच में निकल ही जाता है. जो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, एसएआर लेटर, ये मेंस एग्जाम में ही होता है. आपका जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट खत्म हो जाता है तो वो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देता है. देयर यू हैव टू टाइप, सो यू शुड आल्सो हैव अ गुड टाइपिंग स्पीड हियर. नेक्स्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू. जब आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्टेजेस को क्वालिफाई कर जाते हैं तो सितंबर 2019 में द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू. And then final result declaration will be in October 2019. Now we should see about the exam pattern. Exam pattern basically क्या होता है? जो prelims होता है वो 100 marks के होते हैं and there are 100 questions. इसमें 3 subjects पूछे जाते हैं, English, Quant and Reasoning. और जो main exam होता है उसमें 155 questions रहते हैं, 200 marks and the subjects here are English language, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और फिर उसके बाद एक एसे एंड लेटर टाइपिंग रहती है यहाँ पे. सो सेकेंड स्टेज में क्वांट नहीं रहता. दैट इज द वन थिंग यू हैव टू फोकस हियर. सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो रिगार्डिंग SBI PO. आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.